स्वागत है आप लोगों का हमारे मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं संदीप सिंह, आपका मैथ्स ट्यूटर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके 9 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब कुछ और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइप 10 का एक वीडियो देखते हैं। उम्मीद है PDF शीट तो आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी और उसके क्वेश्चंस भी आप देख रहे होंगे। कोशिश कीजिए कि उसको आप ज़ेरॉक्स करा के अपने सामने रखें, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो टाइप 10 शुरू करते हैं। एक बेसिक फंक्शन है और वो है सक्सेसिव डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का। सक्सेसिव डिस्काउंट, या हिंदी में कहें क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टे का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर बार बार डिस्काउंट दिया हो जाता है। अक्सर हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है 20% प्लस 40% ऑफ। कुछ लोग इसका आइडिया लगाते हैं कि इसका मतलब है 60% डिस्काउंट। ऐसा नहीं है। 20% प्लस 40% इक्वल्स टू 60% डिस्काउंट नहीं है। 20% प्लस 40% डिस्काउंट का कुल मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उस पर पहले 20% डिस्काउंट घटाया जाएगा। तो 100 पर 20% डिस्काउंट आप घटाएंगे तो 100 माइनस 20 चीज़ बचेगी 80 रुपये की, और इस 80 पर फिर 40% डिस्काउंट घटाया जाएगा। 80 का 40% अगर आप निकालेंगे तो आएगा 32 रुपीस, और इसमें से 32 फिर से डिस्काउंट दिया जाएगा तो आपकी ये चीज़ बचेगी 48 रुपीस की। देखो, देखने में लग रहा है 20% प्लस 40% मतलब 60%, लेकिन व्यवहार में क्या है कि 100 वाली चीज़ 48 की खरीदी तो आप कहेंगे 52% का डिस्काउंट मिला। और इस एक्चुअल डिस्काउंट को काउंट करने को हम सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट को काउंट करना कहते हैं, क्रमिक छूट का पता लगाना। इसके लिए कई अलग अलग तरीके प्रचलित हैं, हम इसको 2 अलग अलग तरीकों से देखेंगे। पहला तरीका है फॉर्मूले वाला। अगर आपको लगातार 2 क्रमिक बट्टे दे रखे हों, 2 डिस्काउंट परसेंट दे रखे हों, तो आप एक बेसिक फार्मूला लगा सकते हैं। एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा डिस्काउंट परसेंट। मान लीजिए आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हों, एक्स परसेंट और वाई परसेंट, और उसके बराबर आपको एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, तो आप इस परसेंट को यूज़ करेंगे। फार्मूला है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये बेसिक फार्मूला है। जब क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का हो तो आप उसे ऐसे सॉल्व करें, और अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का हो तो उसके लिए हम दूसरा तरीका लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देखें, 10% और 20% के क्रमिक छूट के बराबर एक छूट क्या होगी। 10% 10% डिस्काउंट एंड देन 20% डिस्काउंट इन सक्सेशन इज इक्विवेलेंट टू द टोटल डिस्काउंट ऑफ। तो आपको 2 अलग अलग डिस्काउंट परसेंट दिए गए हैं, 10% एंड 20%। आप इसे इस फॉर्मूले में लगा के एक समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात करेंगे। समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्स की जगह 10, वाई की जगह 20 रख के इसे सॉल्व कर देंगे। आप इन दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो काट दें, ये 10 20 30 माइनस 2। तो आप कहेंगे 10% प्लस 20% के एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा 28%। ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ करें जब क्वेश्चन इतना ही बेसिक हो। 10% 20% 20% 30% 30% 40%, इस तरह से जब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसे सॉल्व करें। लेकिन जब क्वेश्चन कुछ अच्छा हो जाए तो आप इसे ऐसे बिल्कुल सॉल्व ना करें, हम एक अच्छा तरीका लगाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करें, तो दूसरा तरीका है कि हम मान लेंगे कि वस्तु का मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य 100 है। ये हम मान लेंगे, हर बार 100 ही मानेंगे, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो हम मानेंगे कि अंकित मूल्य है 100 रुपये।
और उस 100 पर पहले 10% डिस्काउंट दिया जाता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सीखा था 10% डिस्काउंट पर अगर कोई चीज़ बेची जाएगी तो वो 90% में बेची जाएगी। तो 100 वाली चीज़ पे जब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा तो आप कहेंगे वो वस्तु 90% की रह गई, और फिर जब 20% डिस्काउंट मिलेगा तो आप कहेंगे कि अब वो वस्तु 80% की रह गई। जितने भी डिस्काउंट आपको मिलते जाएंगे आप 100 में से घटा के उनके परसेंट को लिखते जाएंगे। 10% डिस्काउंट का मतलब है 100 के 90% में चीज़ बेच दी गई, 20% डिस्काउंट का मतलब है कि 80% में चीज़ बेच दी गई। ऐसे जितने भी डिस्काउंट होंगे उन्हें आगे 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 मल्टीप्लाई में गुणा में लिखते चले जाएंगे और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 8 72, 9 8 72। तो आप कहोगे 100 वाली चीज़ को 72 में बेच दिया गया, ये इसका सेलिंग प्राइस। अगर 100 की चीज़ खरीद के उसे 72 में बेचा गया तो आप कहोगे कि उसे 28 का डिस्काउंट मिला, और क्योंकि डिस्काउंट 100 पर मिला तो आप कहेंगे 28% का डिस्काउंट मिला। ये ज़्यादा सही तरीका है, लेकिन अगर क्वेश्चन बेसिक है तो आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से कर दें, लेकिन जब भी क्वेश्चन थोड़ा भी उलझेगा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तरीके और भी हैं लेकिन ये सफिशियंट है, अच्छा तरीका है, बहुत आसानी से आंसर देने वाला, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। और अगर बेसिक क्वेश्चन होगा तो पहले वाले को भी लगाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। 10% 20% और 50% की श्रेणी छूट के बराबर एक डिस्काउंट क्या होगा? 10% 20% एंड 50% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको बताना है। तो क्योंकि मैंने कहा कि अगर 2% दिए हो, बेसिक दिए हो, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 यूज़ करें। लेकिन अगर ऐसा ना हो, जैसे इसमें 3% दिए गए हैं, 10% 20% और 50%, तो तीनों परसेंट को हम दूसरे वाले तरीके में लगाते हैं। हम मानते हैं किसी चीज़ का मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ था, 100 रुपये, उस पर पहले 10% डिस्काउंट दिया गया तो उसे 90% में बेचा गया, फिर उसे 20% डिस्काउंट दिया गया तो उसे 80% में बेचा गया, फिर उसे 50% डिस्काउंट दिया गया तो 50% में बेचा गया, और टोटल मिला के ये कितने में बिकी चीज़, ये हमें काउंट करना है। 100 से 100 कैंसिल कर दें, दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो काट दें, 50 से इसे 2 बार काट दें, 2 से इसे 4 बार काट दें, 9 चौक 36, 9 4 36। आप कहेंगे कि 100 वाली चीज़ को 36 में बेच दिया गया, अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि 64 का डिस्काउंट उस पर दिया गया। 64 100 में से 36 को घटाएंगे तो 64 बचेगा। आप कहोगे ये जो तीनों डिस्काउंट हैं इनके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट है 64%। देखिए पहले 10% छूट पे बेचा गया तो 90% में बेचा, फिर 20% छूट का मतलब है 100 वाली चीज़ 80 में, फिर 50% डिस्काउंट का मतलब है कि 100 वाली चीज़ 50 में बेच दी गई, और इसको ऐसे ही गुणा करके, चाहे 3 डिस्काउंट है 4 डिस्काउंट है, आप गुणा 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 करके लिखते चले जाएंगे, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा के हम उसका डिस्काउंट पता करेंगे, तो वो जो डिस्काउंट है वो 64% के बराबर। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट है 64%। एक और क्वेश्चन, थोड़ा अगर इसे कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो कैसे बनाएगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। दिया है 16 से ही 2/3%, 20% और 50% के बराबर एक एकल छूट क्या होगी? फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 16 2/3%, 20% एंड 25%। कभी भी इस तरह से वैल्यू आपको देता है तो वो चाहता है कि आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा मुश्किल बनाया जाए, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े परसेंट आपको देते हैं तो उसे फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। आपको याद होगा हमने फोर्थ वीडियो में इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज लिखवाई थी, आप लोगों ने याद की है, उसको हम यूज़ करेंगे। देखिए 16 2/3% डिस्काउंट का मतलब है
1/6 डिस्काउंट। 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, इसका मतलब है 6/1 की छूट। और 6/1 की छूट का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये वस्तु का मार्क्ड प्राइस था, किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस अगर 100 था, तो उस पर 6/1 का डिस्काउंट दिया। अगर मैं कहूँ कोई चीज़ 6 की है, उस पर 1 का डिस्काउंट दिया, तो आप कहेंगे 6 वाली चीज़ को 5 में बेच दिया गया। तो आप कहेंगे 100 की चीज़ थी, उसे 5/6 में बेचा गया, 5/6। इस बात को समझ लें कि ये 1/6 का मतलब है 6/1 की छूट। तो 6 पर जब 1 छूट देकर बेचेंगे, तो 6 वाली चीज़ को 5 में बेचा जाएगा। जैसे जब हम डिस्काउंट 20% लिखते हैं, तो यहाँ पर 80% में बेचा ये सब कहते हैं, तो इस 20 को 100 में से घटा देते हैं, वैसे ही इस 1 को 6 में से घटा देंगे, 6 में से 1 घटाएंगे, तो 5/6। तो ये पहला डिस्काउंट हुआ। दूसरा डिस्काउंट है 20%। 20% डिस्काउंट का मतलब है कि इसके बाद चीज़ को 80% में बेच दिया जाएगा, और 25% डिस्काउंट का मतलब है 75% में बेच दिया जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 100 से 100 कट जाएगा, इसे काट लें, 0 से 0 कट जाएगा, इसे काट लें 5 दूनी, और 5 से ये 15 टाइम कट जाएगा, 2 से इसे काट लो 4, और काट लें 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 पंजे 50। आप कहोगे इन तीनों के बराबर एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है, 100 वाली चीज़ को 50 में बेच दिया गया, ये सेलिंग प्राइस। जिस पे मार्क्ड प्राइस 100 था, उस चीज़ को 50 में बेच दिया गया, तो आप कहेंगे इस पर 50% का डिस्काउंट आपको अवेल कराया गया, मतलब इन तीनों के बराबर एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट है 50%। ये बहुत आसान बात है, अगर आप इसको समझें तो। ये बस फ्रैक्शन वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, अगर कभी वो क्वेश्चन को उलझाता है तो इस तरह की वैल्यूज देता है। आप इस बात को समझ लें, इसे फ्रैक्शन में बदलें, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इसे यूज़ करें। देखते एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 9 से ही 1/11%, 8 से ही 1/3%, और 10% के बराबर 1 एकल छूट क्या होगी। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 9 1/11%, 8 होल 1/3%, एंड 10%। इन तीनों के बराबर 1 एकल छूट आपको बतानी है, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है, आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखें। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। आपने सीखा है, नहीं सीखा है तो पुरानी वीडियो में जाएं, और पुरानी वीडियो से इसके परसेंट वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू उसको समझें। अब ध्यान से देखें, हम माने चीज़ का मार्क्ड प्राइस 100 था, उसको 1/11 के डिस्काउंट पे बेचा, इसका मतलब उसे 10/11 में बेच दिया गया। 11 वाली चीज़ पे एक डिस्काउंट दिया तो 10 में बेचा, 12 वाली चीज़ पे एक डिस्काउंट दिया तो 11/12 में बेच दिया, और 10% डिस्काउंट का मतलब है कि उसे 90% में बेच दिया। इसे सॉल्व कर दें, जो कटता है उसे काट ले, 11 से 11 कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसे काट लो, 3 से 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, और ये 15 बार कटेगा, 2 से इसे काट दें 5 बार, तो 15 पंजे 75, 75। आप कहोगे कि 100 वाली चीज़ को 75 में बेच दिया गया, इसका मतलब है कि इस पर 25% का डिस्काउंट दिया गया। 100 वाली चीज़ को अगर 75 में बेच दिया, तो इस पर 25% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब इन तीनों के इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट है 25%। इस तरह से क्वेश्चन को उलझाने की कोशिश करता है, जब वो इस तरह के टेढ़े मेढ़े फ्रैक्शन देता है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इसको फ्रैक्शन में बदल के और सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु पर 40% डिस्काउंट और फिर 30% डिस्काउंट। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, आप इसे समझने की कोशिश करें। एक वस्तु पर पहले 40% छूट, फिर 30%, 50% छूट और फिर 20% की क्रमिक छूटों का अंतर 34 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। आसान सवाल है,
The difference between successive discount of 40% followed by 30% and 50%, 50% followed by 20% on the marked price of an article is rupees 34. The marked price of the article is. वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें. आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है. हम लोग इसको पहले वाले फॉर्मूले से करेंगे. हमने एक फॉर्मूला लिखा था इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, समतुल्य बट्टा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100. इसको यूज़ करेंगे. मैंने कहा जब क्वेश्चन बहुत सीधा हो तो इसे यूज़ करने में कोई शर्म की बात नहीं. फॉर्मूला इस्तेमाल करें अगर उसे दिया गया है. ठीक है, कितना हो गया? कहा है क्वेश्चन में कि एक बार दो तरह से डिस्काउंट देता है. एक बार 40% प्लस 30% का डिस्काउंट देता है और एक बार 50% प्लस 20% का डिस्काउंट देता है. और इन दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस आपको दिया है 34. तो पहले तो आप हम इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे. इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 अपॉन 100. 40 30 70 माइनस 12 58%. इसके भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे 50 प्लस 20 माइनस 50 इंटू 20 अपॉन 100. 70 माइनस 10 60%. पहला डिस्काउंट के इक्विवेलेंट डिस्काउंट है 58%, दूसरे के इक्विवेलेंट डिस्काउंट है 60%, और दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस परसेंट में है 2%. और इस 2% की वैल्यू आपको दे दी गई है और ये 2% है मार्क्ड प्राइस का 2%. तो आप कहो मार्क्ड प्राइस का 2% 2% की वैल्यू आपको दी है 34. तो आप कहो मार्क्ड प्राइस हमसे पूछा है तो इससे इसे काट दे 17 और मार्क्ड प्राइस आ जाएगा 1700. अंकित मूल्य 1700 रुपये. बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप इसे ध्यान से पढ़ें. दो अलग अलग डिस्काउंट दे रखे हैं, उनके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट निकालेंगे. उन दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस दे रखा है, 2% की वैल्यू दे रखी है और ये 2% है मार्क्ड प्राइस का 2%, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे काउंट किया जाता है. तो मार्क्ड प्राइस का 2% इक्वल्स 32 है, तो मार्क्ड प्राइस 1700 आएगा. अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बदल कर एक क्वेश्चन और देखते हैं. ज़रा ध्यान से देखें. एक डीलर 200 अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है, उसे 10% और 20% क्रमिक छूट मिलती है. लागत मूल्य का 10% वह यातायात पर खर्च करता है. यदि वह इस वस्तु पर 20% लाभ कमाना चाहता है तो वह इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? बढ़िया सवाल. अ डीलर बायज एन आर्टिकल लिस्टेड एट रुपीज 200 एंड गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%. ही स्पेंड्स 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑन ट्रांसपोर्टेशन. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%? बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है. ज़रा ध्यान से देखें. वो इस वस्तु को जिसका मार्क्ड प्राइस 200 है उसको दो डिस्काउंट के बाद खरीदता है. पहला डिस्काउंट है 10% का, दूसरा 20% का. तो जब उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा तो वह इसे 90% में खरीदेगा. फिर इसे 20% का डिस्काउंट मिलेगा और ये इसे 80% या 80% में खरीदेगा. और फिर इतने की तो चीज़ इसे मिलेगी, ये इसका कॉस्ट प्राइस. लेकिन फिर इसका 10%, इसकी कॉस्ट प्राइस का 10% वो इसके यातायात पे या ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर देता है. और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करेगा तो वो इस वस्तु की कीमत को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे उसके कॉस्ट प्राइस में वृद्धि होगी. अगर 10% कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा तो वो 110% हो जाएगा. इतने में कुल मिला करके ये वस्तु इसे मिलेगी अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ ली जाए. अब इस पर ये 20% प्रॉफिट भी कमाना चाहता है. 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब है वो इस वस्तु को 120% में बेच देगा. मतलब क्वेश्चन में है तो बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ मिलाकर एक ही लाइन में ख़त्म किया जा सकता है. आप इसे सॉल्व करें. दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो काट दें, दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो काट दें, ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो काट दें. बाकी सब देखें जैसे काटा जा सकता है, कुछ तो काट लें वरना सबको गुणा कर लें. जैसे इस दो से इसे काटेंगे तो 50 टाइम्स कट जाएगा.
दो से ऐसे काटेंगे चार तो ये 25 बार कट जाएगा, और कुछ कटता दिखता नहीं है, बाकी सबको आपको गुणा करना पड़ेगा। तो सबको गुणा कर ले, 9 चौक 36 गुणा 11 इंटू 12 132 बटे 25। इन्हें गुणा कर ले, 36 दूनी 72, 36 दिया 108 और 7 115, 36 एकम 36 और 11 4752 बटे 25। इस 25 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 25 एकम 25 22 हुआ, 25 ने मैं 225 0 फिर पॉइंट लगाया, फिर 25 0 8 190 रुपये 8 पैसे में ये वस्तु को बेचेगा तो इसे 20% का प्रॉफिट मिलेगा। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और इस तरह से सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग है लेकिन उसे भी देखें, वो भी डिस्काउंट से रिलेटेड है। एक व्यक्ति 32 नींबू खरीदने पर 8 नींबू मुफ्त पाता है, एक व्यक्ति 32 नींबू खरीदने पर 8 मुफ्त पाता है, उसका डिस्काउंट परसेंट बताएं। ऑन बाइंग 32 लेमन्स अ मैन गेट्स 8 लेमन्स फॉर फ्री, फाइंड हिज डिस्काउंट परसेंट, उसका छूट प्रतिशत ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखें, 32 नींबू ये खरीदता है, 8 इसे फ्री मिलते हैं, ये घर पर कितने नींबू लेके आता है? 32 और 8 40। हम ये नहीं कहेंगे कि 32 पर 8 का डिस्काउंट मिलता है, हम कहेंगे 40 पर 8 का डिस्काउंट मिलता है। याद रखेंगे, डिस्काउंट जो मिला है अगर वो क्वांटिटी या मात्रा में दिया गया हो तो फिर आप उस डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे और कुल खरीदी गई मात्रा को नीचे। 32 नींबू खरीदे लेकिन घर वो 40 लेके आया, तो 32 प्लस 8 को अपॉन में रखेंगे, उस पर जितनी वस्तुओं का उसे डिस्काउंट मिला उसे ऊपर। जब डिस्काउंट आपको रुपए में ना देकर क्वांटिटी में दिया होता है तो उस क्वांटिटी को, डिस्काउंट क्वांटिटी को ऊपर और टोटल क्वांटिटी को नीचे रखेंगे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहेंगे टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, इसे सॉल्व कर लें, 8/40 × 100, 8 से काटें 5 बार, 5 से काटें 20 बार, तो आप कहेंगे पूरे सौदे में इसे 20% का प्रॉफिट, सॉरी 20% का डिस्काउंट मिलता है। कभी भी क्वेश्चन क्वांटिटी पर दिया जाए, हालांकि इसे दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है, अगर आप ऐसे ना करना चाहें और इसकी बारीकी में जाना चाहें कि ऐसे कैसे, तो हम उसको भी समझ सकते हैं। देखिए समझते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि हर एक नींबू का मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य हर एक नींबू के लिए, ईच लेमन के लिए, प्रत्येक नींबू के लिए कितना है? 1 रुपये। हर एक नींबू 1 रुपये का है, तो ये घर पर 40 नींबू लेकर आया, तो 40 नींबू का मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 40 × 1, 40 रुपीस। और इस 40 के बजाय वो रुपए देकर आया 32 नींबू के, तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस कितना था? उसने 32 लेमन के पैसे दिए 1 रुपए के हिसाब से, तो 32 रुपए दिए। अब देखो, 40 रुपए उसका मार्क्ड प्राइस था और उसने 32 में ख़रीदा, तो आप कहोगे 8 का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर काउंट किया जाता है, × 100। कोशिश करें कि ऐसे ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट लिखें। परेशानी ये है कि आज के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ पर बैठ के कुछ सोचें, तो बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसे सॉल्व कैसे करना, और सॉल्व कैसे करना है सिर्फ इतना नहीं बल्कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो बहुत छोटे हैं उनका सॉल्यूशन और आंसर भी दिमाग में ही आ जाए तो अच्छा, उसके लिए पेन ना उठाना पड़े उससे भी अच्छा। कोशिश करेंगे पेन का इस्तेमाल कम से कम करें। एक आखिरी सवाल इस वीडियो पर देखते हैं। एक व्यक्ति 12 नींबू खरीदने पर 8 नींबू मुफ्त पाता है और 10% की अतिरिक्त छूट भी पाता है, उसका छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ऑन बाइंग 12 लेमन्स अ मैन गेट्स 8 लेमन्स फॉर फ्री एंड ही गेट्स 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन हिज परचेज, फाइंड हिज डिस्काउंट परसेंट। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, 12 नींबू खरीदने पर 8 मुफ्त पाता है, अगर मैं आपसे कहूँ उसका डिस्काउंट परसेंट क्या है, तो आप कहेंगे 8 फ्री पाता है और खरीद कर 12 + 8 = 20 लाता है, टोटल क्वांटिटी अपॉन में फ्री को ऊपर, × 100, तो आप कहेंगे इस पूरे सौदे में उसे 40% का डिस्काउंट मिलता है।
लेकिन वो कह रहा है इसे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है, उसका टोटल डिस्काउंट परसेंट बताएं। देखें भाई, अगर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है तो इसे दो डिस्काउंट मिलते हैं, एक 40% और एक इसके साथ में 10%। इन दोनों के इक्वलेंट डिस्काउंट हम निकालेंगे, वही फार्मूला यूज़ करते, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो 40 प्लस 10 माइनस 40 इंटू 10 अपॉन 100, इससे इसे काट देंगे, ये आएगा 50 माइनस 4, 46%। इस पूरे सौदे में उसे 46% की छूट मिलती है। ये टाइप थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो बड़ी हो जाती है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस पार्ट को हमने दो पार्ट में, इस टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगला वाला पार्ट इसके बाद हम देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।